इतने नरम और रसीले लौकी के कोफ्ते, जिन्हें लौकी नहीं पसंद है वो भी उंगलियां चाट कर खाएंगे, तो एक बार ट्राई जरूर करिएगा। मैंने करीबन 300 ग्राम लौकी ली है, जिसे धोकर छीलकर आप कद्दूकस कर लीजिएगा इस तरीके से, और फिर इसे निचोड़कर इसमें से पूरा पानी आप निकाल दीजिएगा। लौकी में काफी पानी होता है, पर आप ये पानी को फेंकिएगा बिल्कुल नहीं, इसे हम ग्रेवी में बाद में यूज करेंगे। कोफ्ते में डालने के लिए मैंने मसाला यूज किया है, जिसमें है 2 चम्मच धनिया पत्ती, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, ये ऑप्शनल है, नमक, 1 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिसे मैंने लंबा लंबा काट लिया है, और 3-4 चम्मच बेसन के। लौकी में मैंने 3 चम्मच बेसन डाल दिया है। अगर लौकी में काफी पानी है और वो गीला सा है, तो आप 1/2 चम्मच बेसन और भी बाद में डाल सकते हैं। और बेसन डालने के साथ ही मैंने जितने मसाले, हमने सूखे मसाले रेडी किए थे, वो मैंने डाल दिया है, ये देखिए ऐसे। और ये मसाले डालने के साथ ही मैंने डाला है 1 चम्मच घी, ये ऑप्शनल है, बट अगर लौकी के कोफ्ते में घी होता है तो कोफ्ते बहुत ही सॉफ्ट और अच्छे बनते हैं। तो इसे मिक्स करके हम 10 मिनट तक रख देंगे, ताकि बेसन जो है वो अच्छे से लौकी के साथ चिपक जाए, ये देखिए ऐसे। कढ़ाई में तेल डालें और उसे मीडियम फ्लेम में रखें। पहले छोटा सा टुकड़ा डाल के देखें कि तेल अच्छे से गर्म हुआ है कि नहीं, और फिर सारे कोफ्ते डाल दें। याद रखिएगा, कोफ्तों को डालने के बाद आप इसे तुरंत मत पलटिएगा, नहीं तो ये पूरे टूट जाएंगे। आप ऊपर से ऐसे तेल डाल सकते हैं, ताकि जब आप इसको पलटें तब ये नीचे से ना चिपके। ग्रेवी के लिए लिया है मैंने 1 मीडियम प्याज, जिसे मैं दरदरा पीस लूंगी, 3 टमाटर, 5 से 6 काजू जो ऑप्शनल है, 2 से 3 लहसुन की कलियां, 1/2 इंच अदरक और 1 तेज पत्ता। टमाटर, काजू और लहसुन अदरक को हम फाइन पेस्ट बना लेंगे। सूखे मसाले में लिया है मैंने 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच अमचूर पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर, ये ऑप्शनल है पर इससे सब्जी में कलर बहुत ही अच्छा आता है, 1.5 चम्मच बेसन, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1/2 चम्मच जीरा। बेसन से ग्रेवी में बहुत ही अच्छी थिकनेस आती है, तो कोई भी ग्रेवी वाली सब्जी हो उसमें आप 1 चम्मच 1.5 चम्मच बेसन जरूर डालिएगा। ये कोफ्ते भी रेडी हो गए हैं, इसे आपको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। कढ़ाई को मीडियम फ्लेम में रखें और उसमें 3 चम्मच तेल डाल दें। जब तेल हमारा गर्म हो जाए, तब उसमें डाल दें तेज पत्ता और जीरा, और इसे अच्छे से चलाते रहें, ताकि जीरा अच्छे से भून जाए। देखिए, जीरा बिल्कुल जलना नहीं चाहिए। और फिर हम इसमें डाल देंगे जो प्याज हमने दरदरा पीस के रखा था वो, और फिर इसे आप कंटिन्यू चलाते रहें। 2 मिनट चलाने के बाद प्याज हमारे ऐसे ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें हम जो सूखे हुए मसाले थे सारे, वो डाल देंगे, और इसे अच्छे से प्याज के साथ हम पका लेंगे, ताकि जो बेसन है वो अच्छे से इसमें भून जाए। बेसन कच्चा बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, नहीं तो ग्रेवी में उसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा। तो इसे आप कंटिन्यू चलाते रहें, ताकि ये जले भी ना और अच्छे से प्याज के साथ भून जाए, ये देखिए। और इसमें थोड़ा 2 चम्मच पानी डाल दें आप, ताकि बेसन और मसाले सब अच्छे से पक जाए। और ये 2 मिनट के बाद आप इसमें जो हमने टमाटर, काजू और अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया था वो डाल दें। इसे कंटिन्यू आप मिक्स करते रहें, और जैसे ही आप टमाटर डालें, उसके साथ डाल दें नमक आपके टेस्ट के हिसाब से, ताकि इससे अच्छा तेल अलग होते तक टमाटर हमारा पक जाए। आपको ये तब तक पकाना है जब तक ये तेल ना छोड़ने लगे। ये देखिए, ये मसाला पक गया है। इसमें फिर लौकी का जो पानी बचा था वो डाल दिया, और 1 कप गर्म पानी भी और डाल दिया मैंने। जैसे ही सब्जी का पानी उबलने लगे, उसमें फ्राई किए हुए कोफ्ते डाल दें, 1/2 छोटा चम्मच कसूरी मेथी, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला और 1/2 छोटा चम्मच जीरा। जीरा पाउडर ऑप्शनल है, अगर आपके पास ना हो तो ना डालें, और इसे ढककर 10 मिनट तक पकने दें। और 10 मिनट के बाद ये देखिए, ग्रेवी अच्छे से पक चुकी है, ऊपर तेल आ गया है, कोफ्ते ने सारा ग्रेवी का फ्लेवर एब्जॉर्ब कर लिया है। अब इसमें हरा धनिया डालें आप, और इसे गर्मा गर्म रोटी और चावल के साथ आप परोसें।
तो लौकी के ये कोफ्ते आपको कैसे लगे जरूर बताइएगा, और लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।